जिस मूवी का वेट लोग पता नहीं कब से कर रहे हैं, आखिरकार वो मूवी रिलीज हो जाती है। मैंने इस मूवी को देखने में देरी जरूर कर दी, लेकिन एटलीस्ट इस मूवी को देख पाया। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे KGF चैप्टर 2 मूवी के बारे में। हिंदी बेल्ट में इस मूवी ने लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर डाली है। हिंदी बेल्ट में बात कर रहा हूँ मैं, बहुत धमाकेदार यानी रिकॉर्ड इस मूवी ने भी तोड़ दिए हैं। साउथ मूवीज की आपकी बात करें, मतलब ये तो रिकॉर्ड तोड़ मूवीज आ रही हैं, बहुत जबरदस्त जा रही हैं यार। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी वो बॉलीवुड में अब तो वो दम रहा है, या फिर हमें कहीं पर भी उनके अंदर ऐसा पोटेंशियल दिखता है कहीं वो जो साउथ की जो मूवीज हैं उनको टक्कर दे पाए, मुझे ऐसा याद भी नहीं आ रहा। और अब तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में शायद ऐसा कर भी पाएंगे। तभी देखो कि बॉलीवुड के काफ़ी सारे एक्टर जो हैं वो साउथ की तरफ मतलब कि अपना फेस कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं या उनकी तरफ जा रहे हैं। गरुड़ा की मौत के बाद रॉकी अपना प्लान कैसे पूरा करता है, मतलब कि उसकी जो इच्छा है, उसने अपनी माँ को जैसे वचन दिया था बचपन में कि मैं तेरे लिए पूरी दुनिया का सोना ला के रख दूंगा, तो वो उसके पीछे जैसे लगा हुआ है। देखना ही था कि यार आखिरकार ये कहाँ तक जाता है अपने प्लान को पूरा करने के लिए। अब देखो यार, इस मूवी को वो लोग ना ही देखें जो कहें कि यार इसमें फिजिक्स कहाँ है, इसमें लॉजिक कहाँ है। भाई ये मूवी प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, और एंटरटेनमेंट के पर्पस उसके बिहाव पे बात करूं तो बहुत जबरदस्त, मतलब खरी उतरती है उस लेवल पे। तो मतलब आप जो रियल लाइफ में नहीं कर पाते हैं, वो चीज जो है वो मूवीज में आपको देखने की इच्छा होती है, वो इसमें अच्छे से डाली गई है और देखकर काफी मजा आ जाता है इस मूवी को। मैं यही कहूंगा कि जब आप इस मूवी को देखने जा रहे हो तो इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से ही देखना, बाकी जो ये लॉजिक फिजिक्स की बात करें उसे घर पे रख के जाएं तो काफी बढ़िया रहेगा। सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की बात करूं तो बहुत जबरदस्त यार, एक नंबर जो मुझे लगी है सिनेमेटोग्राफी, बहुत बढ़िया, मजा आ जाता है यार। उसके बाद इसका BGM है, और यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर, जैसे उनका रिएक्शन आता है, मतलब इतना बढ़िया लगता है। इस मूवी को जब देख रहा था मुझे लग रहा था कि यार ये आइकॉनिक मूवी है, इसको स्पेशली बनाया गया आइकॉनिक बनाने के लिए, मतलब यहाँ ये एक स्टैंडर्ड लेवल मतलब फिक्स कर दिया है जो ये मूवी है KGF की, स्टैंडर्ड लेवल है, इससे ऊपर जाएंगे इससे नीचे जाएंगे, इसको एक तरीके से स्टैंडर्ड के रूप में मापा जाएगा आने वाले टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। इतना बढ़िया इसको डिजाइन किया गया है, मतलब बनाया गया है। जो रॉकी का स्टाइल है, जैसे उनका शर्ट का उतारना हो गया, मतलब वो जब शर्ट उतार रहे हैं ऐसे या कोट उतार रहे हैं पीछे की तरफ से और फिर कैमरा पीछे से दिखा रहा है, भाई वो इतना अच्छा लगता है मुझे, मतलब बार बार बढ़िया अच्छा, मतलब कहूँ क्या, मेरे पास यही शब्द है इस मूवी को कहने के लिए, एक नंबर बढ़िया ये सब। मुझे वास्तव में मूवी पसंद आई है, जब इस मूवी को देखने जाता हूँ उसकी शुरुआत से लेकर एंडिंग तक मूवी में फुल ऑन इंटरेस्ट बना रहता है। और जब यश कर की एंट्री होती है, जैसे थिएटर्स में मतलब किलकारियाँ गूंजती हैं, वो अलग ही लेवल का होता है, मतलब मजा आ जाता है वो देखकर। और कहूँगा कि यार ये वास्तव मूवी थिएटर्स में देखने के लायक ही है, मतलब आप जब चिल्लाएंगे, जो एंटरटेनमेंट आप लेने गए हैं तो चिल्लाकर भी एंटरटेनमेंट मिलेगा, वो अलग ही लेवल का होता है। इतनी सारी बातें होगी, अब थोड़ा बहुत कहानी की भी चर्चा कर लेते हैं। अब इसके अंदर जैसे पहले वाली मूवी में गरुड़ा था, अब इसमें अधीरा आ गया, और इसमें रवीना टंडन भी आई हुई है, बहुत बढ़िया एक्टिंग रही है उनकी, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। अब ये सारे मिलके रॉकी को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन रॉकी भाई का अपना अलग ही स्वैग चल रहा है, वो किसी से नहीं डर रहा। इसके अंदर आप जब सीन देखेंगे, जैसे उनका बात करना, जैसे उनके डायलॉग हैं, बहुत एक मतलब फिर से यार जबरदस्ती कहूंगा, या फिर आप कहोगे यार बार बार जबरदस्त सुन सुन के हम पक गए, बट कह क्या सकता हूँ यार। इसके अलावा मूवी में जो फाइटिंग सीन देखने को मिलते हैं, एक तो जो लास्ट वाला फाइटिंग सीन है, और एक जहां पर संजय दत्त और यश सर जब दोनों आमने सामने होते हैं और एक दूसरे की तरफ मतलब गोलियां चला रहे होते हैं, वो हॉलीवुड वाली फीलिंग दे देते हैं। मतलब इतना आमने सामने से ऐसे फायरिंग हो रही है, गोलियों का जैसे आना है, कैमरा वर्क जैसे वहां पे किया गया है, स्वैग जैसे वहां पर डाला गया है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, एकदम बढ़िया, फिर से बढ़िया यार। अब जो मूवी की एंडिंग होती है, देखो यार उसमें जो हमें देखने को मिलता है वो कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने तो नहीं किया था यार कि ऐसे एंडिंग होने वाली है, वो इमोशनल कर देती है मूवी, सच में कहीं ना कहीं इमोशनल हमें करती है, जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है डेफिनेटली उस लेवल पर जाती है और हमें इमोशनल करती है, वहां पर खरी उतरती है एंटरटेनमेंट भी। लेकिन लास्ट की जो एंडिंग है वो सच में मैंने तो नहीं सोची थी कि ऐसी एंडिंग होने वाली है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है अभी तक, तो जब आप वो एंडिंग देखेंगे आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा प्रभावित करेगी। मूवी के जो सॉन्ग्स है वो काफी बढ़िया है, जैसे तूफान एक सॉन्ग है, वो जब आप सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा, एकदम जो सिचुएशन के ऊपर इसमें डाला गया है बहुत अच्छा
फिर से बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, एक नंबर सब कुछ। ओवरऑल अगर बात करूं तो केजीएफ चैप्टर 2 की हर चीज आपको, सिनेमेटोग्राफी, आपको जो एक्सप्रेशन है या फिर जो एक्टिंग है, जो परफॉर्मेंस है, या फिर इसके अंदर जो बीजीएम है, जो स्टोरी है, वो हर एक चीज आपको इसमें भरपूर दी जाएगी। एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है इस मूवी में। तभी आते ही इसने तहलका मचा दिया, ऑब्वियसली मचाना ही था। इसका वेट इतने टाइम से चल रहा था, हाइप इतनी ज्यादा चल रही थी, और जो हाइप थी उस लेवल पे ये आती, मत कहूंगी उससे भी ऊपर चली जाती है। जैसे मैंने कहा 100 करोड़ से भी ज्यादा इस मूवी ने कमा ली सिर्फ हिंदी हिंदी बेल्ट के अंदर, मतलब हिंदी लैंग्वेज के अंदर। बाकी अलग लैंग्वेज के ऊपर तो अलग ही मतलब इसका रिकॉर्ड चल रहा है। अब जो संजय दत्त हैं इसके अंदर दिखाए गए, उनका जो लुक दिखाया गया वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। मतलब उनके लुक को देखकर, मतलब उनको इंसान का लुक देखेगा, उनके लुक से डरकर इंसान की मौत हो जाएगी, इतना खौफनाक भयंकर लुक उसमें दिया गया है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी तो अपनी फैमिली के साथ जाकर देखें, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वल्गर सीन नहीं है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10। सर अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। फिर से कहूंगा अगर नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखो यार, एंटरटेनमेंट की बौछार हो रही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।